वेलकम टू अम्मी की फैमिली में आप सब जी, आपके साथ शेयर करूंगी। Remedia, बहुत ही इजी है तमाम इंग्रेडिएंट आपके घर में आपके किचन में ही मौजूद हैं और बहुत ही जबरदस्त किस्म का जी आज आपके साथ मैं फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ जिसके लिए ना आपको पॉलर जाना पड़ेगा और ना ही हजारों रूपए खर्च करने पड़ेंगे ओके okay, जी इसके लिए सबसे पहले जो स्टेप नंबर वन है ओनली टू स्टेप है कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है कि सेवन स्टेप कर लो एट स्टेप कर लो बस जी ओनली टू स्टेप इन दोनों स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो इन आपके जितने भी मसाइल हैं चाहे आपको डार्क सर्कल्स हों चाहे आपको पिंपल्स हों चाहे आपका जो फेस या हाथों पैरों की स्किन डल हो रही है साथ साथ ड्राई हो रही है डैमेज हो रही है डार्कनेस आ रही है तो डोंट यू वेरी गाइज आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये तमाम मसलों का हल पेश कर रही हूं सो लेट्सार्ट दीडियो स्टार्ट करते हैं हम जी रेमेडी नंबर वन के साथ जिसके अंदर हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल कुछ लोगों के घर में प्लांट लगा होता है अगर आपके पास नहीं है मेरे घर में लगा हुआ है इसलिए मैंने क्या कि मैंने नेचुरल ही ले लिया है अगर आपके पास नहीं है तो बाजार से बना बनाया मार्केट का मिलता है वो भी ले सकते हो आप अच्छा मैं क्या कह रही इसमें थोड़ी नेचुरल चीजें दे रही हूँ क्योंकि नेचुरल चीजों को तो आपको पता है रिजल्ट हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड ही आता है अगर आप परेशान हैं अपने फेस को या फिर हाथ पैरों के ऊपर डार्कनेस आ रही है हाथ पैर हमारे क्या होते हैं कि एकदम टैन होना शुरू हो जाते हैं फेस भी टैन होना शुरू हो जाता है और उस पर कालक सी आना शुरू हो जाती है तो उसको नीट करने के लिए उसको ब्राइट करने के लिए स्किन टोन को लाइट करने के लिए जी आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि डेली जी आपको मेरी इसी तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जो कि ना सिर्फ आपके हज़ारों रुपए की बचत करें बल्कि आपको भी चांद की तरह चमचमाता हुआ खूबसूरत बना दें ओके जी अब मैं क्या कर रही हूँ जो हम इसका प्योर जेल है इसको सेपरेट करें अच्छा इसको सेपरेट करने के बाद आप क्या करोगे कि इसको थोड़ा सा ना आपने डाल लेना है जो हमारे पास मिक्सी ब्लेंडर जग होता है उसमें इसको घुमा लोगे ना तो आप देखोगे बिल्कुल फ़ाइन सा स्मूथ सा जैसे हमें बाजार से मिलता है ये जेल वैसा ही बन जाएगा तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा इसके अंदर अच्छा जो इसका छिलका है मैं साइड पर संभाल कर रख लूंगी क्योंकि आगे चल के वीडियो में मैं इसको भी यूज़ करना है तो ये बहुत ही पावरफुल ये होम रेमिडीज़ हैं ओनली सेवन डेज एंड आप बिल्कुल हैरान है जो कि देखो अभी मैं आपको सिंपली इसका जो छिलका है वो रब करके दिखा रही तो वो कितना ज़्यादा शाइन ला रहा है अगर हम इसको दो तीन चीज़ों के साथ और मिक्स कर लेंगे तो फिर आप देखें क्या कमाल होता है ओके जी अब हमें जो सेकेंड हैंड ग्रेंड चाहिए होगा हमें चाहिए होगा बेसन बेसन सदियों से यूज़ होता आ रहा है जी फेस को ग्लो देने के लिए इसी के साथ इसमें हम एक चुटकी शामिल करेंगे हल्दी की ठीक है जिसमें हल्दी हमने शामिल कर दी है दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे अगर अभी तक मुझे आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं देन हम इसमें वही वाला जेल ऐड करेंगे जो हमने बनाकर रखा है ओके okay, जी जेल इसमें मैंने सारा का सारा ऐड कर दी है अच्छा क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ वन टेबल स्पून मैंने लिया है बेसन क्योंकि मुझे फेस पे भी लगाना है हाथों पे भी लगाना है और पैरों पे भी लगाना है तो आप अपने मुंह के हिसाब से हाथों पैरों के हिसाब से जी जितना ज़्यादा बनाना चाहो बना सकते हो ठीक है आ, देन इसमें वन टेबल स्पून ही हमने लिया है एलोवेरा जेल एक चुटकी हमने इसमें ली है हल्दी की ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ आपके कील महा से जो हो जाते हैं उसको भी दूर करेगा बल्कि उसके जो निश्नात होते हैं उसको भी लाइट करेगा ओके जी जिनकी स्किन ड्राई है तो इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं मैं इसमें फ्यू ड्रॉप आप शामिल करूंगी जी कोकोनट ऑयल के अगर आपको कोकोनट ऑयल इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता तो आप पहले पैच टेस्ट कर लो देनी आप इसको लगाओगे अब देखिए जी अब हमने तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं अच्छी तरह मिक्स करेंगे जितना अच्छा मिक्स करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ओके okay, जी चलते हैं जी वीडियो के अगले हिस्से की तरफ और नेक्स्ट स्टेप भी मैं आपको बता देती हूँ अब हमें इसमें क्या चाहिए होगा अब हमें इसमें चाहिए होगा कच्चा दूध कच्चा दूध क्या करेगा स्किन को डीपली क्लेंस करेगा और आपकी स्किन को डीपली क्लियर करेगा कच्चा दूध वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए अगर आप उसको यूज़ करते हो आ, स्किन की क्लेंजिंग करने के लिए तो जी ये स्किन को ना सिर्फ क्लेंस करेगा बल्कि आपकी स्किन को एकदम से फ्रेश कर देगा बिल्कुल दूध जैसा ही गोरा कर देगा तो इसलिए हमने इसमें शामिल किया है कच्चा दूध जो कि वन से दो टेबल स्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये पेस्ट हमने बनाया थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट हम इसमें बनाएंगे ठीक है जी आप देख रहे हो इस तरह का ये बनकर रेडी होगा ये पेस्ट आगे चल के एप्लीकेशन लगा के भी दिखाऊंगी रिजल्ट भी दिखाऊंगी बस ये आपने वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ओके जी पार्लर में जाते हैं तो क्या करते हैं कि इंस्टेंट ग्लो आती है एकदम से मुंह चमक जाता है तो आप घर में इसका अल्टरनेट आप क्या यूज़ कर सकते हो इसमें लेमन का पानी हाफ आ लेमन वाटर हम इसमें ऐड करेंगे यानी नींबू का पानी हम इसमें ऐड करेंगे जी आधे नींबू का पानी बस इसको देन मिक्स करेंगे अच्छी तरह मिक्स करो मिक्स करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर लेना है फेस पे नेक पे जहाँ पर आपको फाइन लाइन्स हो रही हैं डार्कनेस हो रही है और साथ ही साथ क्या होता है आ, कि आँखों के चेहरे हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी जी जब स्किन ख़राब होना शुरू होती है तो ढेर सारे मसले निकल आते हैं तो बस आपने क्या करना है कि ये वाले अपने स्टेप फॉलो कर लेने हैं। ओके जी आप आपको हम इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है ओके गाइस नाउ दिस इज रेडी टू अप्लाई अब हम इसको अप्लाई करेंगे टाइमिंग बताती हूँ साथ साथ लगाती भी जाती हूँ और आपको बता भी देती हूँ कि कितनी देर इसको अप्लाई करना है ओके जी आ, इसकी जो टाइमिंग है वो तकरीबन तकरीबन 10 से 15 मिनट है 10 से 15 मिनट आप इसको अप्लाई करोगे मैं आपको हाथों पर अप्लाई करके बता रही हूँ क्योंकि मेरे हाथों की स्किन काफ़ी डल हुई हुई है तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर अप्लाई करके दिखाऊँ क्योंकि अभी आपको रिजल्ट भी दिखाना होता है तो क्यों ना ऐसी चीज़ पर लगा के दिखाएं जो वाकई ही चमक जाए तो हाथों की स्किन बहुत ज़्यादा डल और ड्राई डैमेज हुई हुई है तो मैंने कहा कि क्यों ना आपको इस पर ही करके दिखाऊँ और जब रिजल्ट आएगा तो आप हैरान रह है। जाओगे बिल्कुल मेरी तरह क्योंकि जब भी आ, मुझे पॉलर नहीं जाना होता दिल नहीं करता पॉलर जाने का या फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पॉलर का खर्चा तो वो घर में जी बरसों से घरेलू घर रेमडीज़ वगैरह यूज़ करते आ रहे हैं तो इस रेमेडी को भी आप अपने जी आ, जो अपनी बुक है उसमें शामिल कर लीजिए तो आप इसको यूज़ करके अपने जितना भी आ, स्किन के मसाइल हैं उसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हो ओके जी अब मैंने इसको अप्लाई कर लिया तकरीबन दस से पंद्रह मिनट मैं इसको लगा रहने दूंगी दस से पंद्रह मिनट के बाद मैं इसको वॉश कर लूंगी देन मैं आप आपको दिखाऊंगी लेकिन वॉश करने से पहले आपने क्या करना है मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हमने वो छिलका रखा हुआ है जो एलोवेरा जेल जैल जी नेचुरल छिलका था उसके साथ मैं इसको रब करूंगी ओए ओ हो क्या रिजल्ट आएगा कैसे चमड़ी चमकेगी कि आप खुद हैरान रह है जाओगे कि आपने तो कोई इतनी मेहनत भी नहीं की पैसे भी खर्च नहीं हुए और आप ऐसे चमक गई कि क्या ही बात है चलें जी अब मैं इसको अच्छी तरह रब कर रही हूँ रब करने के बाद हम हैंड को वॉश कर लेंगे उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी उसके बाद वीडियो के अगले हिस्से में मैं जो आपके साथ एक और पावरफुल रेमिडी शेयर करने मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बनाना बताऊंगी जो कि इतना पावरफुल है इतना पावरफुल है कि आपको किसी किस्म की कोई फेशियल की जरूरत भी नहीं रहेगी जब आप इसको यूज करोगे क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आता रहता है चलो भाई अब ये क्या हुआ था कि हमने जो एलोवेरा का छिलका पड़ा था उसके साथ रब कर लिया ऐसा लेमन का भी छिलका पड़ा था उसके साथ हाथों तो पैरों पर लेमन को आपने सिर्फ यूज करना है फेस पे नहीं ठीक है जी आ, बस ये हमने लेमन के छिलके साथ को और रब कर लिया उसके बाद क्या आप देखोगे कि ब्राइटनेस आएगी ग्लो आएगी चमक आएगी स्किन टाइटन आप होगी लाइट होगी ब्राइट होगी स्पॉटलेस हो जाएगी और शाइन करेगी तो क्या और चाहिए बस इतना कुछ आपको घर बैठे ही मिल रहा है बस ये आप हमारे चैनल को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड और फैमिली के अंदर ताकि हर कोई इस रेमेडी से फायदा उठा सके ओके okay, जब हम हैंड को वॉश कर लेंगे देखें जी आपने ने हैंड्स को वॉश कर लिया है हालांकि मैंने इतना ज्यादा इसको टाइम भी नहीं दिया था लेकिन फिर भी इसका माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त रिजल्ट है दोनों हाथों में आप वाजिया फर्क देख सकते हो कितना अच्छा इसका जी रिजल्ट आया है आखिर में इस पर कोई भी मॉइस्चराइजर वगैरह ज़रूर लगा लेना ताकि स्किन ड्राई मत हो मैं इस पर जी कोकोनट ऑयल अप्लाई कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि जी स्किन ड्राई ना हो ठीक है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाने के बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट कितना ज़्यादा अच्छा है वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चल के मैं आपको दिखाऊंगी किसे आप मुल्तानी मिट्टी को यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन को ब्राइट करने के लिए ये देखें जी बहुत ही शानदार रिजल्ट आया था तो चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ ओके जी अब हम आ चुके हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ और अब मैं आपको बताना बता रही हूँ मुल्तानी मिट्टी को आपके साथ यूज़ कर सकते हो एक मैंने आपको बेसन के साथ एक स्टेप्स का खाया और सेकंड स्टेप उससे भी ज़्यादा इजी है बनी बनाई बस आपको चाहिए होगी मुल्तानी मिट्टी जो कि है वन टीस्पून किसी ब्रांड के भी आप ले सकते हो बाज़ार में मिलती है बड़ी आसानी से ये मुल्तानी मिट्टी मिल जाती है खुली भी मिल जाती है इस पैकेट में भी मिल जाती है तो ईज़ीली जी आप बाज़ार से इसको ले सकते हो और काफ़ी सस्ती भी होती है बस आप इसको ईज़ीली ले सकते हो उसका एक पैकेट अच्छा जी अब

उसके बाद आपने क्या करना है मुल्तानी मिट्टी मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ इस तरह से होती है क्योंकि आप फिर मुझे कमेंट करके पूछते हो कि आप ये जरा इसका क्लोज़ करके दिखा दें कि किस तरह से होती है इस तरह से होती है जी मुल्तानी मिट्टी देन इसमें हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों के पास घर में नेचुरल नहीं है तो इस तरह का मार्केट से मिलता है ठीक है जी इस तरह का मार्केट का भी आप ले सकते हो दोनों ही मैंने आपको दिखा दिए इस वीडियो के अंदर और वन टी ही हम इसमें ले लेंगे एलोवेरा जेल ओके जी एलोवेरा जल लेने के बाद क्योंकि हमने इसका गाढ़ा सा एक पेस्ट सा बनाना है तो इसको हम बनाएंगे जी अच्छा दो चीज़ों के साथ इजीली बन सकता है दूध के साथ या फिर अरके गुलाब के साथ मैं इसमें दोनों ही यूज़ करूँगी क्योंकि जिनकी स्किन ड्राई होती है तो उसको दही के साथ भी बना सकते हैं ठीक है जी आ, तो हम इसमें वन कैप ऑफ अरके गुलाब ठीक है रोज वाटर हम इसमें ऐड कर देंगे मिक्स करेंगे मिक्स 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 ओके okay, जी अभी भी गाढ़ा है इसके बाद दो चीज़ें मैं इसमें और शामिल करूँगी इसमें अगेन हम दूध शामिल करेंगे जो कि कच्चा दूध है उसके साथ हम इसका गाढ़ा सा एक पेस्ट सा बना लेंगे और इसके साथ मैं इसमें लेमन भी ऐड करूँगी और दो तीन कतरे हमने इसमें ऐड कर देने हैं लेमन के अब मैं इसमें डालूंगी कच्चा दूध क्योंकि कच्चा दूध मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था स्किन को बहुत ही डीपली क्लेंस करता है स्किन की जो जितनी भी डर्ट होती है उसको जितनी भी डार्कनेस होती है और जितनी भी आपकी स्किन के अंदर पोलूशन वगैरह चली जाती है उसको ईजिली रिमूव कर देता है उसकी बहुत अच्छी क्लेंजिंग कर देता है बस अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे दूध आपने एकदम नहीं सारा डाल देना बस आप देखते जाओ सासर की कंसिस्टेंसी की तरह जैसे फ्लोई सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी ना बस ये रेडी होगा फेस पे अप्लाई करने के लिए ओके <coughs> okay, जी बोल बोल के मेरा गला बिल्कुल बैठ गया बस ये आप हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ये बहुत ही अच्छी रेमेडी थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आगे अगर कोई भी इवेंट आ रहा है उस पर किसी शादी पर जाना है उससे पहले किसी फंक्शन पर जाना है तो उससे पहले जी आप इसको थोड़ी देर लगाओगे उसके बाद आप देखोगे कि आप ख़ुद हैरान रह है। जो हर कोई पूछे कि जैसे लगेगा अभी आप पॉलर से वापस आई हैं ओके जी अब हमने इसमें क्या ऐड किया हमने जैसे कि आपको बताया था कि लेमन थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे उसके बाद मैं इसका फ्लोई सा एक बना लूँगी आपने पेस्ट सा बना लेना ठीक है और उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे और वीडियो क्या घर मैं आपको लगा कर भी दिखा दूँगी <coughs> ओके जी बोल बोल कर काफ़ी मेरा गला बैठ गया बट कोई बात नहीं आपको ये वीडियो मैंने दिखानी है और सिखानी है क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं देखने वाले बहुत सारे रिक्वेस्ट करते प्लीज़ कोई होम मेड ऐसी रेमेडी बता दें जिसमें ज़्यादा खर्चा भी ना हो इंग्रीडियंट भी घर में मौजूद हो और हम लोग चमक भी जाएँ तो जी आपकी ही फरमाइश पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की कि मैं आज वीडियो बना रही हूँ बस आप जी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तकरीबन दो टेबल स्पून दूध इसमें गया है जो कि कच्चा दूध था ठीक है मैं इसको मिक्स करूँगी जैसे ही ये फ्लोई सी कंडीशन में आ जाएगा हम इसको अप्लाई करेंगे ओके दिस इज़ रेडी टू अप्लाई अब हम इसको अप्लाई करेंगे अप्लाई करने के बाद रिजल्ट दिखाएंगे देखो कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त किस्म का जी हमारा बनकर ये रेडी हुआ है सेवन डेज़ के अंदर अंदर आपको जी बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट मिलेगा नॉट ओनली फॉर योर फेस आप इसको जी अपने हाथों पैरों पर पे भी आराम से लगा सकते हो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आपकी स्किन डार्क हो रही है डैमेज हो रही है इसको ईजीली लगाओ जी बेधड़क होकर लगाओ बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा आज स्किन पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो बट जिन लोग सूट नहीं करते हैं तो वो जी इसको स्किप कर सकते हैं देखो जी अब मैं इसको हाथों पे अप्लाई करूंगी आप इसको फेस पे नेक पे इजीली अप्लाई कर सकते हो इसकी टाइमिंग भी तो तकरीबन 10 से 15 मिनट ही है बस चीज़ों को सूखने देना है तकरीबन जितनी देर में सूखती हैं उतनी देर में जी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है इसको मैं अप्लाई करूँगी 10 से 15 मिनट लगा रहने दूँगी उसके बाद जी हम अपने हैंड्स को वॉश कर लेंगे उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना सेम नाम के साथ जो आपको वहाँ पर आई मिल जाएगी और अगर आपने कोई और रेमेडी कोई टोटका कोई टिप कोई रेसिपी सीखनी हो तो प्लीज़ मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी ओके जी अब हमने इसको अप्लाई कर लिया अब हम दस से पंद्रह दस से पंद्रह मिनट हो चुके हैं हाथों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया देखें जी क्या ही अच्छा रिजल्ट आया है बहुत ही शानदार जी होम रेमेडी है उम्मीद करती हूं कि आपको भी इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब